हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। तो गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइज, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क इटर्नल का। और गाइज, आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो ना गाइज, हमने टेम कर लिया था ये एलिमेंटल आइस वाला जिराफ भाई, जो कि हमने सोचा था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही टट्टी निकला गाइज, और अपना जो है ना पोपट हो गया। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वाला जो अदर जिराफ होता है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये वाला जो जिराफ है ना भाई, इस वाला ये बहुत ज्यादा ही टट्टी निकल गया यार। तो इसलिए जो ना थोड़ा सा ऐसा, मतलब भाई ऐसा दुख तो हो रहा है, लेकिन आज जो है ना भाई, मैं यहाँ पे टेम करने वाला हूँ कत ही ज्यादा खतरनाक वाला एक डायनो। अभी वो डायनो कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन भाई फॉल डैमेज ही नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे और मेरे चैनल पे जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, हमारा जो गोल है 150,000 सब्सक्राइबर का, जल्दी से कंप्लीट कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद एंडी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, उनके चैनल के भी जाके जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस, ठीक है। तो चले भाई लोग, करते आज का एपिसोड शुरू। एंड अभी जो ना भाई, मैं सोच रहा था क्यों ना गाइस यहाँ पे कतई ज्यादा खतरनाक वाला कोई ना कोई रेक्स टेम करा जाएगा, ठीक है। काफी टाइम हो गया भाई अपन ने कोई रेक्स टेम नहीं करा, शायद मेरे पास एक भी रेक्स नहीं है ना, मेरे पास कोई रेक्स है? ओ रेक्स है तो मेरे पास फायर इंडोमेज रे, अरे नहीं रे रे रे, ना 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 ना, मेरे पास एक भी रेक्स नहीं है गाइस यहाँ पे। इसलिए जो है ना भाई, अपन यहाँ पे जो ना भाई आज करेंगे रेक्स टेम। वैसे करप्टेड रेक्स है, लाइटनिंग रेक्स है, उसके बाद भाई एलिमेंटल लाइटनिंग इंडोमेस रेक्स है, लाइटनिंग रेक्स है, फायर रेक्स है, पॉइजन रेक्स है, कर्स है, आइस है, लेकिन हमको नहीं चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे चाहिए होगा इटर्नल रेक्स, जो कि मैंने भाई पिछली बार 560 लेवल का जो देखा था, जो ना मेरे बेस के साइड में ही है, लेकिन यहाँ पे जो ना मैक्स लेवल का 600 लेवल का 34-37 पे, तो मैं इसको जो ना भाई जाके यहाँ पे टेम करने वाला हूँ। क्या पता भाई ये वाला जो रेक्स है, इटर्नल वाला रेक्स, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक निकल जाए, और मैं भी बॉस को जो ना यहाँ पे भाई मस्त भी यहाँ पे पेलम पाल दे पाए। इसलिए जो ना इस 600 लेवल के रेक्स को जो ना भाई आज के एपिसोड में अपन टेम करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलेगा इस किसका इंतजार किसका हमें इंतजार, निकल लेते ना भाई। अरे भाई ये क्या निकाल दिया भाई मेरे को यहाँ पे भाई, अपना खतरनाक सा भाई वो निकालना था भाई, शैडो 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 शैडो, अरे हाँ ये रहा भाई, ये रहा अपना शैडो भाई, शैडो को लेके निकलेंगे भाई, शैडो किंग भाई, ठीक है, शैडो किंग, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मेरे को पता है यहाँ पे कहीं पे बर्फ वाली एरिया में था भाई, 34-47 हाँ यहीं पे ना, 34-37, अरे ये ईच पे, अरे वाह टेंशन कहीं को लेता, हवा में हाँ भाई पानी में गिरने वाला था मैं वैसे, ठीक है बच गया भाई, ठीक है बस पहुँच गया भाई, पहुँच गया, टेंशन नको टेंशन नको। 34-37 है क्या? अच्छा 37 पे भी पहुँचना है क्या? अबे क्या लैग मार रहा है बे, पहली बार आया क्या इस वाले बारे में? अब ये रहा क्या 600 लेवल, अबे 600 लेवल के रेक्स को मारता है, शर्म आती है, वो सिर्फ मेरा है भाई, ठीक है, उसको मेरे अलावा यहाँ पे कोई और छू ना सकता भाई, ठीक है, कोई भी नहीं छू सकता मेरे अलावा, कोई भी नहीं छू सकता बेटा, ठीक है। निकल बेच क्या, अबे मरना, अबे तुमको लगता क्यों नहीं रे, अबे लगता क्यों नहीं, हाँ लग गया, ठीक है। तो ये रहा गाइस रेक जो अपन को टेम करना है, जो यहाँ पे उन भाई खतरनाक से वुल्फ्स को खाए जा रहा है, आग लगा के मारे जा रहा है। क्या मेरे ऊपर अटैक करेगा, बावड़ा हो गया क्या बेटा, बेटा ठीक है हमसे पंगा नहीं है बेटा, बेटा हमसे पंगा नहीं लेने का भाई। अबे यार अब इसको 1 मिलियन टॉर्पोर चढ़ाने में 400 साल ना लग जाए, कितना धीरे धीरे टॉर्पोर चढ़ रहा है इसको, 6 मिलियन टॉर्पोर है इसका, 1 मिलियन टॉर्पोर नहीं है, तब भी मैं बोलूँ भाई कुछ तो गड़बड़े दे भाई, हीलिंग क्वेश्चन काट दो भाई। अबे भाई तू नीचे रे भाई, अरे मेरी कुल डाउन हो रही है, रुक जा, मेरी गन जो है ना कुल डाउन हो रही है भाई, ठीक है। ऑल राइट भाई, देखने दो भाई, ये देखो भाई, देख रहे हो कैसे मेरे नीचे खड़ा है भाई, ये ले, हो जा टेम, 2 मिलियन दे दिया भाई मैंने इसको डैमेज, ओके मेरी गन जो है ना वापस से यहाँ पे ओवर हीट हो चुकी है भाई, ठीक है, ओवर हीट हो चुकी है, देख रहे हो, मैं हवा पे उड़ू भाई, जमीन पे यहाँ पे अपना फायर इफेक्ट दे रहा है भाई, ये ले, हो जा बेटा, मैं इतनी ज़्यादा बुलेट यहाँ पे वेस्ट क्यों कर रहा हूँ मेरे को खुद पता नहीं है भाई, ठीक है, मेरे को करने की तो जरूरत नहीं है भाई, इजी टेम है गाइज, इजी टेम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, ये बस ऐसे मारते रहेगा, एंड पे जाके जो ना भगना शुरू कर देगा, एंड तब अपन फाट देंगे भाई इसको, एक ही गोली मारता ना भाई, एक ही गोली मारता, वैसे भी मेरा भाई जो है ना भाई
गन के एक गन का जो टॉर्पोर इफेक्टिवनेस है ना भाई, वो 9 सेकेंड तक रहता है, लगभग 10 सेकेंड तक। तो बस एक गोली मार के छोड़ देना है भाई, ठीक है? ऐसा 10 बार गोली नहीं मारना है, वरना आपकी गोली भी वेस्ट होगी और यहाँ पे वैसे नॉकआउट तो हो जाएगा लेकिन गोली वेस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा भाई। ले खत्म भाई, खत्म। अभी भागेगा गाइस, अब एकदम भाई दबा के भागेगा, देख लेना गाइस, देख लेना। हो गया भाई 4.8, लगभग भाई 5 मिलियन इसका टॉर्पोर होने वाला है गाइस, ठीक है? लगभग हो गया भाई 5 मिलियन, खत्म। टाटा बाय बाय, गुड बाय भाई। 5.2 भगले भाई। हाँ भाई भाई आग मारना शुरू भाई, ठीक है? आग मारना बंद, सॉरी भाई, ठीक है? आग 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 मारना क्यों बंद कर दिया बेटा, हैं? आग मारना क्यों बंद कर दिया, हैं? फटी गए हो, फटी गए हो, हैं? लाड़ में आ रहा भाई, लाड़ में आ रहा है। ले 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 ले, खा ले गोलियाँ, खा ले गोलियाँ, खा ले भाई, खत्म। बस 1 मिलियन भी नहीं भाई, बस यहाँ पे भाई 600-700 के टॉर पर देना। हाँ रुक जा बेटा, तेरा भी टाइम आएगा। अर्जी अरे अर्जी नॉकआउट हो गया भाई, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। हो गया भाई, चलो काम 25 है गाइस, काम 25 हो चुका है। यहाँ पे 600 लेवल का प्राइम जो रेक्स था वो मैंने नॉकआउट कर दिया गाइस, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो रेक्स चल जी, कैसे हो मेरे बाबू? ये ले भाई इंस्टेंट मीत है मेरे पास, ये ले इंस्टेंट मीत खा ले, एंड तेम हो जा भाई। हाँ अच्छा, तेम होने के लिए तेरे को जो है ना भाई थोड़ा सा भाई मेटल चाहिए मेरे को भाई, ठीक है? मेरे को जो ना इसके अंदर जो ना स्टार्विंग पोशन डालना पड़ेगा, वरना जो ना भाई इसको भाई टेम होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है? अभी तो टेम भी हो गया, मेरे को लगा स्टार्विंग पोशन डालना पड़ेगा। ये दो वापस दे दे, खतरनाक भाई, खतरनाक भाई। 900 लेवल का प्राइम रेक्स, मजाक समझ रखे हो गाइस, मजाक समझ रखे हो। 900 लेवल का है भाई, 900 लेवल का, ऊपर से रेक से भाई, मेरे को लग रहा है तबाही मजा डालेगा गाइस, ठीक है? ऐसा पुलटो ऐसा राड़ा राड़ा मजा डालेगा भाई, और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल है भाई। कुछ भी बोलो ना, प्राइम रेक जो है ना भाई दिखने में एकदम खतरनाक है यार। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उससे पहले जो ना मेरे को इसका सैडल बना दो यार, ठीक है? इसका सैडल बन भी सकता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, मेरे पास इनफ मटेरियल है भी या नहीं मेरे को ये भी पता नहीं है भाई, ठीक है? रुक जाओ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर? कोई भी नहीं है, फालतू चीज़ें सारे भाई, ठीक है? आ जाओ, चलो भाई लोग, प्राइम रेक जो है ना भाई इसका यहाँ पे फटाक से बना लेते हैं अपन सैडल रिक्स, ठीक है भाई? अल्फा रिक्स सैडल है, इंटोबेस रिक्स सैडल है, मेरे पास रिक्स के सैडल थे। ये कौन सा है? अल्फा रिक्स का सैडल मेरे पास पड़ा हुआ है भाई, आई थिंक अल्फा रिक्स का सैडल जो है ना भाई वही इसको लगेगा शायद भाई, शायद। हाँ चेकआउट कर लेते, रुक जाओ चेकआउट कर लेते हैं अल्फा रेक्स का सैडल भाई, ठीक है? अल्फा रेक्स सैडल, एरविगो बेटा, एरविगो कहाँ पे भाई? अल्फा रेक्स सैडल ये रहा भाई, अल्फा रेक्स का सैडल, ओके इसके ऊपर लग चुका है। और इस खतरनाक से रेक्स का लुक तो देखो भाई, भाई डैमेज वेज गया बाहर में भाई, लुक देखो भाई। डैमेज अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो भी मेरे को एक भाई रेक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई। अय हाय आय हाय, खतरनाक लग रहा है भाई। टाटा के राइट क्लिक पे, लेफ्ट क्लिक पे फायर ब्रीथ वाला अटैक है, सी पे जो है ना भाई यहाँ पे, ओके रोर करने वाला अटैक है सी पे भाई, एक्स पे जेड पे, एक्स और जेड पे कोई अटैक नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे लुक बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइज। इस लुक के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट से कर देना गाइज, ठीक है? लेट्स गो। और इसका लुक जो है ना भाई उसके हिसाब से कोई खतरनाक से नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। लेवल अप कितना आ चुका है भाई? रुक जाओ, पहले मेरे को इसकी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा दो भाई, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 100 मिलियन बढ़ाऊंगा भाई, ठीक है? उसके बाद सारे पॉइंट जो है ना भाई इसके डैमेज में डाल देता हूँ, वेट में डालने की जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे पॉइंट जो है इसके डैमेज में डाल दूंगा। और मेरे को जो है सर्वर का डैमेज 400 सालों से बढ़ाना है यार, क्योंकि भाई मेरे को उतने ज़्यादा पावरफुल डायनो जो है ना भाई वो मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए सर्वर का डैमेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो डायनोज है ना उन्हीं के साथ अपन जो है ना यहाँ पे बॉस फाइट ले सके भाई। थोड़ा गेम का आवाज़ कम कर लेता हूँ, क्योंकि रिक्स के पैरों का आवाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा है भाई, ठीक है? ले बेटे, हेलो हेलो फ्रेंड, 1 मिलियन ओनली भाई, अभी 60-70 मिलियन डैमेज देने वाले डायनो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये 1 मिलियन वाला डायनो कोई क्या करेगा भाई यहाँ पे अभी? ठीक है रेक्स का डैमेज तो बहुत ज़्यादा डटती है, 100 मिलियन हेल्थ होगी भाई, ज़्यादा नहीं होगी, कितने 100 मिलियन ही हेल्थ है भाई। भाई 30-40 पॉइंट इसके डैमेज में देने के बाद अगर ये 1 मिलियन डैमेज दे रहा है, ख़त्म फिर। मेरे को नहीं लग रहा इस जन्म में अपन ऐसे भाई बॉस को मार पाएंगे गाइस, ठीक है? इस जन्म में तो बॉस को नहीं मार पाएंगे भाई, हेल्थ में थोड़े से और पॉइंट डालने तो, क्योंकि इसकी हेल्थ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है गाइस, ठीक है? लगभग भाई 30 कर देता ना मैं, 28 हो चुकी है भाई, ठीक है? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, 1000 लेवल का होके रहेगा गाइस ये रेक्स, ठीक है? 1000 लेवल का होके रहेगा। फायर ब्रीथ कितना दे रहा है? 300 के डैमेज जो है ना भाई इसके फायर का है भाई, ओके
ऑल राइट चलो आ जाओ, थोड़े से बॉसेस को मारने का टाइम आ चुका है वैसे भी। चलो भाई लोग चलो आ जाओ, थोड़े बॉसेस के ऊपर जो ना अपना डैमेज जो ना वो टेस्ट कर लेते। ना ना बेटा ना, तेरे को ना बुलाया था मैंने। अबे तेरे को नहीं बुलाया था बेटा। बेटा भाई साहब, भाई बॉस खुद स्पॉन हो गया बेटा, बोल रहा है अच्छा बेटा बॉस से पंगा लेगा, बॉस से पंगा लेगा। भाई टाइटन गॉड को ना भाई ना मार सकता भाई, मैं नहीं मार सकता भाई इस डैमेज के साथ, तो बिल्कुल नहीं मार सकता भाई। अबे यार एक मिनट रुक जाओ, टाइटन बॉस को जो है मैं ओविस के साथ मार सकता हूँ क्या? ओविस का यूज करके आई थिंक मार सकता हूँ ना भाई। निकल ले रेक्स, पहली फुर्सत में तू कल्टी मार ले भाई, ठीक है भाई। टाइटन गॉड को ये रेक्स ना मार पाएगा क्योंकि मेरा डैमेज 1 मिलियन भले हो, लेकिन इसके ऊपर कितना डैमेज दे रहा पता है? ये देखो कितना, 90,000, ठीक है। मतलब आपका जितना डैमेज होगा ना गाइज, 95,000 भाई आपका जितना डैमेज होगा ना भाई, उसका आई थिंक 12% या 10% डैमेज वहाँ पे पड़ेगा बस। ये देखो भाई मेरा लगभग डैमेज है 1 मिलियन, ओके 1.8 मिलियन, इसलिए उसके ऊपर भाई 19,000 का डैमेज जा रहा है भाई, ठीक है चल। अबे टाइटन, अबे दो दो टाइटन, अबे एक कम था क्या जो यहाँ पे दो दो आ गए अभी, वो वहाँ पे भी। एक मिनट रुक जाओ, क्या वो टेमेबल है? नहीं नहीं नॉट टेमेबल, आर यू टेमेबल? ना ये भी नॉट टेमेबल। अबे जा रहा भाई, हेलो टाइटन गॉड को नहीं मार सकता मैं, लेकिन तुम जैसे चूजों को मार सकता मैं, लाड़ में नहीं आ रहेगा ज़्यादा। और गाइस यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, अगर आप 10 में से भाई अगर लगभग शायद 10% चांसेस होते कि अगर आप टाइटन गॉड को मारते हो ना, तो उसका टेमेबल वर्जन आपको यहाँ पे अनलॉक्ड हो जाए भाई, ठीक है। तो मेरे को जो ना भाई टाइटन गॉड जितने भी मिलते हैं ना भाई, उन सबको मारते हुए यहाँ पे घूमना पड़ेगा, अगर मेरे को टाइटन गॉड का टेमेबल वर्जन चाहिए गाइस यहाँ पे। और मेरे को भाई चाहिए भाई, मेरे को उसका टेमेबल वर्जन जल्दी से जल्दी चाहिए, इसलिए जो ना भाई मेरे को यहाँ पे ऐसा कोई ओविस को ट्राई मारे गाइस, क्या बोलते हो? ओविस को ट्राई मारे, ये ओविस है क्या नॉर्मल? ये नॉर्मल 800 लेवल की अपनी ओविस है। उसका नाम क्या था, वो बकरी का नाम क्या था आपने? लाइटनिंग गोलेम नहीं भाई, लाइटनिंग गोलेम नहीं, फायर गोलेम नहीं भाई, ओविस का नाम क्या था? थेरी भी नहीं, कहाँ भी चलेगी वो ओविस? प्राइम कार्किनोस भी नहीं, वो ओविस का मैंने नाम रखा था भाई कोई तो खतरनाक सा, गॉड ऑफ हेल भाई, ठीक है। गॉड ऑफ हेल का इस्तेमाल करके गाइस अपन देखिए कि अपन टाइटन गॉड को मार पाते कि नहीं, क्योंकि गॉड ऑफ हेल का काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। आपको भी बताया भाई कितना ज़्यादा डैमेज है भाई इसका, इसका डैमेज भाई एकदम ऐसा अनबिलीवेबल है। कितना रे इसका, कितना डैमेज दे रही है? अबे मजाक मत करा, 3 मिलियन तेरा डैमेज नहीं है, मेरे को बता भाई 3 मिलियन तेरा डैमेज नहीं है। इसका डैमेज 3 मिलियन कब से हो गया? वेट अ मिनट, इतना कम डैमेज कैसे हुआ? 6 मिलियन, 7, 8। अबे इसको फुल चार्ज मार के लेके जाना पड़ेगा बॉस फाइट करने के लिए। ओके अगर अपन किल करते हैं ना, अगर अपन किसी डायनो को यहाँ पे किल, अबे जा रहे यार ये किसके अंदर अटक गया भाई मैं, ठीक है मेरे को बाहर निकलना। ओ शिट, नो नो टेमेबल, अरे टेमेबल और जन, अबे नॉट टेमेबल, बाहर निकलेगा अबे, हट बेस क्या, मर जा भाई मर जा, गीगा बॉस भाई, गीगा बॉस आ गया उंगली करने के लिए यहाँ पे यार। मेरे को ना टेमेबल और जन है यार, मैं खुश हो गया था एक सेकेंड के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डायनो है यार। गीगा बाहर निकलेगा, बॉस वर्जन है भाई इसका, टेमेबल वर्जन नहीं है भाई, ठीक है कोई ना, चलो बॉस वर्जन को मार देता हूँ मैं भी, टेमेबल वर्जन यहाँ पे स्पॉट हो जाए भाई, ठीक है। क्या पता भाई अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो थोड़ा सा ऐसे पोपड़ पोपड़ हो जाएगा, लेकिन कोई ना गाइस, कोई ना आ जा भाई बॉस, मर जा भाई, टाइम रिमेनिंग आ रहे भाई, इसको मारने के लिए अपनी बकरी न पे यार, ऐसे छोटे छोटे बॉस उसको बड़े आराम से मार सकते हैं अपनी बकरी भाई, खत्म। ओके हो गया कुछ स्पॉन, कुछ स्पॉन हुई नहीं हुई भाई, लेकिन इसे एक अच्छी चीज़ ये मिली मेरे को कि मेरे को सारे के सारे आर्टिफैक्ट मिले, थोड़े से एलिमेंट मिले मेरे को भाई, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मिले, थोड़े से क्रिस्टल एलिमेंट शार्ड मिले, प्लस ये देखो भाई भर भर के आर्टिफैक्ट मिले, सारे के सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिल गए भाई। एक भाई बायनिक गीगा बॉस को मारने से भाई, देख रहे हो है ना खतरनाक सी चीज़ भाई। वैसे यहाँ पे कैसे, ये मत बोलना ये टेमेबल ओरिजिन है, टेमेबल ओरिजिन। अबे हट बे, दो दो कैसे बॉस एक साथ स्पॉन हो सकते हैं? ये तो अनपॉसिबल है भाई, हेलो कैसे, अबे कैसे, कौन सा चूरन खा के भाई, व्हाट द, हेलो बेटा बेटा कुछ ज़्यादा ही लाड़ में नहीं आ रहे थे तुम्हें, कुछ ज़्यादा ही लाड़ में नहीं आ रहे। इनफ्लेम अटैक के बारे में सुना है कभी? हाँ फ्लेम अटैक के बारे में सुना है, लाड़ में आ रहे हो क्या बाबा? ठीक है भाई मे भी इसको मारने से मेरे को भाई टेमेबल वर्जन मिल जाए भाई, ठीक है। रुक जाओ देख लेते भाई, होने को कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता इसको मारने से टेमेबल वर्जन मिल जाए, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ बेटे,
बेटे मर जाना जल्दी भाई, फ्लेम अटैक तो तेरे को दे ही रहा हूँ मैं वैसे भी। ओके हो गया भाई, काम 25 हो गया भाई, मरने वाला है, मरने वाला है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, आराम से मर, आराम से मर। इसका टेमेबल ओरिजिन कभी भी स्पॉन हो सकता है भाई यहाँ पे। खत्म क्या टेमेबल ओरिजिन, पक्का टेमेबल ओरिजिन है पक्का। ओ माई गॉड गाइज, गाइज यहाँ पे बायोनिक गीगा का टेमेबल वर्जन फाइनली अपन जो है ना स्पॉन करने में सफल हो चुके हैं, और अगले एपिसोड में उस टेमेबल वर्जन को मैं यहाँ पे टेम करूंगा भाई। आई मजा आ जाएगा गाइस, बहुत ही ज्यादा ओपी वाला वो टेमेबल वर्जन है यार बायोनिक गीगा का, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको टेम करने के लिए यार, क्योंकि बायोनिक गीगा एक तरह से बॉस है, और बॉस टेमिंग मेरा भाई पहला बॉस जो है ना भाई वो यहाँ पे अगले एपिसोड में भाई अपन आर्क इटर्नल का टेम करने वाले भाई। काफी ज्यादा मजे ही मजे आने वाले उसको टेम करने के लिए गाइस, ठीक है, मजा आ गया भाई। दो तीन भाई बॉसेस को मारना पड़ा, लेकिन फाइनली जो है ना गाइस अपन को यहाँ पे भाई एक बॉस तो मिल ही गया भाई, ठीक है। अब पीछे से अटैक बिटैक मत कर ले, अबे जाना रे, अबे जाना, अबे जाना, अकेला ना कल, चल 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 चल, कहीं ना कहीं डर, तेरे से डरता नहीं मैं, हां जा जा भाई इसके भाई। अभी क्या, अभी भाई उस रेक्स को निकाल दूंगा, रेक्स इसकी डायरेक्टली पहली फुर्सत में पेटी बना देगा भाई, ठीक है। रुक जा भाई रुक जाओ, वो बहुत ज्यादा चुल मच रही है ना। एम आई जोकती हूँ है भाई, मैं रेक्स को निकाल रहा था ना, टैम्पलीज बोला था, अच्छा टैम्पलीज बोला नहीं था इसलिए मारा उसने, अगर मैं बोल देता ना मारता नहीं गाइस, ठीक है। वैसे टैम्पलीज विम्पलीज नहीं बोला था ना तो इसलिए चिपका डाला भाई मेरे को एकदम मस्त भे की भाई। कोई ना गाइस, कोई ना भाई, ठीक है, कोई ना कैसे भाई मैं लेगा बदला भेज के, कैसे मार दिया उसने है? मारा कैसे, ऐसा टच कैसे करा उसने, पता है उसको कोने में है, पता है कौन है भाई? बायोनिक गीगा आने वाला है अभी अपने के पास, हाँ अभी अपन को चाहिए फुल इज्जत भाई, ठीक है, हमको चाहिए अभी इज्जत भाई, ठीक है। बायोनिक गीगा भाई फर्स्ट बॉस जो है ना वो टेम करने वाला है तेरा भाई, अभी फुल इज्जत नहीं मिली ना तो देख लेना भाई, ठीक है। रुक जाओ भाई, पहले एक मिनट रुक जाओ, मेरे को मेरी इन्वेंट्री खाली करने दो यार, इन्वेंट्री में इतना ज़्यादा फालतू सामान आ चुका है ना क्या ही बोलो भाई, ठीक है। अबे इसने तो मेरा भाई वो हैट भी तोड़ दिया भाई, आपको पता है ना मेरे को एक खतरनाक वाला हेलमेट मिला था, वो आर्मर था कुछ समथिंग, वो वाला हेलमेट पहना था मैंने, वो भी तोड़ दिया भाई उसने मेरा नॉर्मल, अच्छा मैंने नॉर्मल वाला मेरा आर्मर फेंक दिया क्या, अच्छा पहना हुआ है लेकिन मेरी हैट नहीं है मेरे पास, ठीक है। विदाउट हैट तो मैं बावड़ा लगूंगा भाई, ठीक है। ले ले भाई, ए कोई हैट है क्या तुम्हारे पास, कोई हेलमेट विलमेट है यहाँ पे? कोई भी हेलमेट नहीं है, ठीक है, कोई ना, चलो कोई ना गाइस, कोई ना कोई ना कोई ना। ले भाई सारे के सारे आर्टिफैक्ट जो है ना इसके अंदर डालने दो, और अगला एपिसोड गाइस बिल्कुल मिस नहीं करने का, एकदम ओपी वाला बायोनिक गीगा टेम करने वाला तेरा भाई। और अभी जो है ना रुक जाओ, हमको चाहिए बदला, आए हैं मेरी जुल्फे तो देखो कितनी ज्यादा घने घनी है, ओ यस लेट्स गो भाई लेट्स गो। ए किधर है वो, किधर है वो, बस बता मेरे को किधर है। उसने मेरे को मारने की भाई हिम्मत कैसे करी, उसने पहली बात मेरे को मारा कैसे, तू ही था क्या, तू ही था क्या, खत्म बेटा बेटा, ना 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 ना, तेरे को मेरे से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये मेरा रेक जो ना भाई टॉर्पोर देने का भी काम करता है, टॉर्पोर भी देता है भाई, खत्म खत्म बेटा खत्म खत्म, कल 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 कल। और कोई था, और कौन था, यही था ना, यही था ना, यही था ना वो भाई, नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, ये वाला था, ये वाला था वो, हाँ ये वाला था, इसको चुल मची थी उंगली करने का, अच्छा ये नहीं है, ये उसका भाई डम्मी था भाई, वही था भाई, उसी ने मेरे को मारा था। तो हमने भाई यहाँ पे बदला ले लिया है, और कतई ज्यादा खतरनाक वाले एक रेक्स भी डेम कर लिया है। तो गाइज अगर आपको आज का ये रेक्स और गाइज बायोनिक गीगा वाली जो बॉस फाइट है अगर पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क इटर्नल के, तब तक ले बाय, और अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करने का गाइज, ठीक है, बायोनिक गीगा गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home.